हर किसी को किसी ना किसी से कभी ना कभी तो प्यार हुआ ही है, बट जरूरी नहीं है कि वो प्यार हमें हमेशा मिले। ऑफ कोर्स हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से हम उसे पा सके, मगर कभी कभी ये कोशिश पागलपन में बदल जाती है। और कुछ इसी स्टोरी पर बेस्ड है ये टीवी सीरीज जिसका नाम है यू। सब्सक्राइब कीजिए FeatFlix को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। यू टीवी सीरीज बेस्ड है इसी नाम के नोवेल से जिसे लिखा है कैरोलिन कैपनिस ने, और पहले सीजन के हिट होने के बाद में सीजन 2 भी डेवलपमेंट में है, जो कि कैरोलिन कैपनिस के ही लिखे नोवेल हिडन बॉडीज पर बेस्ड होगा, जो कि इनके पहले सीजन के स्टोरी को कंटिन्यू करेगा। स्टोरी है न्यूयॉर्क में रह रहे एक बुक स्टोर मैनेजर की, जिसको उसके एक कस्टमर से प्यार हो जाता है और ये प्यार पागलपन में तब्दील हो जाता है और वो किसी भी हाल में इन्हें पाना चाहते हैं। यही सिंपल सी स्टोरी है इस टीवी सीरीज की, जो कि लगती सिंपल है मगर है नहीं। सो क्या ये टीवी सीरीज इतनी अच्छी है या है भी या नहीं कि आपको इसे देखना चाहिए, लेट्स फाइंड आउट। Every relationship has its obstacles to overcome, right? यू टीवी सीरीज की सीजन 1 रिलीज हुई Netflix पर 26 दिसंबर 2018 को और ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। अब आप कहेंगे कि एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, यार ये तो हमने हर बॉलीवुड की मूवी में देखा ही है, टीवी सीरीज में भी देखते हैं, तो इसमें क्या नया है? बस यहीं पर आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये टीवी सीरीज सिर्फ प्यार हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे ये बंदा कैसे पाता है और पाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, यहाँ तक कि क्राइम भी करना पड़ता है। इतना ही नहीं, प्यार पा लेने के बाद में प्यार को खुश रखना भी मुश्किल होता है। अब इस बंदे को वो करने के लिए भी पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब हमारे इस बंदे का नाम है जो, जिसका किरदार निभाया है पेन बैकली ने, जो कि हमेशा हमें खुद से बात करते हुए दिखते हैं। इस लड़की को पाने के चक्कर में वो अपने हर एक गलत काम को ये बोलकर सही कर लेते हैं कि ये सब वो उस लड़की को खुश रखने के लिए कर रहे हैं, और शॉकिंगली टीवी सीरीज में बहुत बार वो सच में उन्हें किसी न किसी प्रॉब्लम से बचा लेते हैं। और कहीं ना कहीं आपको सच में ये लगता है कि यार ये इसका पागलपन नहीं है, ये बंदा सच में इस लड़की से प्यार करता है, इसलिए तो इतना कुछ कर रहा है उसके लिए। अब यहाँ पर क्रिएटर्स की तारीफ करनी पड़ेगी, जो यहाँ पर ऑडियंस को कंफ्यूजन में डाल देते हैं कि यार ये बंदा विलन है या हीरो है। स्टार्टिंग के 7 एपिसोड्स बहुत अच्छे हैं, बट 7th एपिसोड थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि जो को उसकी लड़की मिल जाती है और आप कंफ्यूज रहते हैं कि यार 3 एपिसोड्स बचे हैं, अब क्या होगा आगे। सो यू सी, ये टीवी सीरीज सिर्फ प्यार पाने के बारे में नहीं है, उसके आगे के बारे में भी है। एलिजाबेथ लेल, जिन्होंने इस लड़की का काम किया है, यानी कि बेक का काम किया है इस टीवी सीरीज में, जिससे कि हमारे लीड हीरो यानी कि जो ऑब्सेस्ड है, ये एक राइटर बनना चाहती है। पैसों की बहुत तंगी है तो साइड साइड में ये काम भी करती है। इनके कुछ अमीर फ्रेंड्स भी हैं जिनके साथ ये ज्यादा नहीं रहती, क्योंकि काम की वजह से इन्हें टाइम नहीं मिलता और ये अपने दोस्तों के पैसों पर जीना भी नहीं चाहती। अब सिर्फ बेक की पर्सनल लाइफ नहीं, यानी कि उनके बॉयफ्रेंड के साथ में भी, जो करंट बॉयफ्रेंड है उनके साथ भी उनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। अब यू कहूँ कि इनकी पूरी लाइफ एक तरह से जंबल्ड अप है, मेस्ड अप है, जहाँ पे कोई भी चीज ठीक ठाक नहीं चल रही है। और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की या विलन की, और समहाउ हमारा हीरो या विलन किसी न किसी तरीके से बेक की लाइफ चेंज करता है एक पॉजिटिव मैनर में, लेकिन बेक को इस चीज का एहसास नहीं होता, और यही चीज इस पूरे टीवी सीरीज को इंटरेस्टिंग बना देती है। इस टीवी सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ हाई फाई स्टॉकिंग नहीं दिखाया गया है कि हीरो एक्स वाई जेड हैक करके सब कुछ पता लगा लेता है। नॉर्मल डे स्टॉकिंग है, जैसे FB देख लेना, इंस्टा देख लेना, उससे पता लगाना इनके बारे में, मोबाइल चेक करना, लैपटॉप चेक करना एक्सेट्रा, बस यही देखते हैं हम। कभी ना कभी हम इनको उनके घर में ब्रेक एंड एंटर करते हुए भी देखते हैं, जो कि बैक को कभी पता नहीं चलता। शॉकिंगली इस टीवी सीरीज में किलिंग सीन्स भी है, जो कि सिनारियो के हिसाब से किलिंग सीन्स दिखाए गए हैं। आई मीन लाइक ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर किसी न किसी को मारना चाहता है, सिनारियो ऐसा बन जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि किलिंग आ जाती है। और सच में कहूँ तो जो कोई स्टॉकर नहीं है, ना ही वो किलर है, बट सिचुएशन के हिसाब से अगर आप देखें तो एक तरीके से स्टॉकर भी बन जाता है और कहीं ना कहीं किलर भी बन जाता है। जो के बारे में कहूँ तो उसके इंटेंशंस नेक है, उसका प्यार भी सच्चा है, बट कहते हैं ना कि लाइफ उसके साथ में कहीं ना कहीं उंगली कर देती है और चीजें वैसी नहीं चलती जैसा जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। एक तरफ आपको जो का पागलपन देखने को मिलता है और दूसरी तरफ उनका अंडरस्टैंडिंग भी देखने को मिलता है। जब वो अपने पड़ोस में रह रहे एक कपल के बच्चे को, उस कपल से हमेशा
बचाने की एक तरीके से कोशिश करते हैं क्योंकि उनके माँ बाप जो है झगड़ा कर रहे हैं. सो ही इज काइंड ऑफ लाइक अ फादर फिगर फॉर दैट चाइल्ड और वो हमेशा उनको उनके माँ बाप से बचाते रहते हैं. सो आई थिंक सो क्रिएटर्स कहीं ना कहीं जो का जो नेगेटिव कैरेक्टर है जो कि जब वो पेट को स्टॉक करते हैं जब वो नेगेटिव कैरेक्टर बनता है आपके दिमाग में उस कैरेक्टर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इस बच्चे को दिखाया है ताकि आप दोनों ही चीजें देख सके कि आपको एक बार ऐसा लगे कि यार ये स्टॉक कर रहा है नहीं यार ये प्यार कर रहा है प्यार करने के चक्कर में ये सब कर रहा है. और अगर कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें अगर आप जो के बारे में सोचते हैं तो वो चीजें पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इस बच्चे का कैरेक्टर दिखाया गया है. यानी कि एक अदर साइड दिखाया गया है जो का कि वो किसी से यू नो किसी की फिक्र करता है एंड ही अंडरस्टैंड्स कि वो लड़का किस किस चीजों के थ्रू जा रहा है और कैसे कैसे वो उसकी हेल्प करता है. शॉकिंगली इस टीवी सीरीज में जितने भी किलिंग सीन्स है वो किलिंग सीन्स देखकर आपको ये नहीं लगेगा अरे यार इसने क्यों मार दिया उसको बेटा आपको ऐसा लगेगा कि यार सही किया यार इसको मार दिया. आई मीन लाइक दैट गाय डिजर्व्ड इट. दिस इज हाउ शॉकिंग द स्टोरी हैज ट्विस्टेड इटसेल्फ. इवन दो द किलिंग्स हैपन यू स्टिल एंजॉय देम. ये टीवी सीरीज एक रोमांटिक ड्रामा कह सकते हैं हम जो कि देखते देखते मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैं बॉलीवुड की कोई रोमांटिक मूवी देख रहा हूँ. सीरियसली एक पल के लिए मुझे ऐसा एहसास हुआ. आई डोंट नो वेदर यू विल फील द सेम और नॉट बट आई रियली फेल दैट. सो अगर आपको रोमांटिक टाइप की टीवी सीरीज या मूवीज पसंद है या बॉलीवुड की रोमांटिक टाइप की टीवी सीरीज या मूवी पसंद है तो ये टीवी सीरीज आपको डेफिनेटली पसंद आएगी. अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये टीवी सीरीज बहुत अच्छी है बट ये टीवी सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग है और स्टार्टिंग के 7 एपिसोड्स तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है. 8 एपिसोड में टीवी सीरीज थोड़ी स्लो हो जाती है बट 9th एपिसोड में इमीडिएटली पिकअप भी कर लेती है. और इस टीवी सीरीज का जो शॉकिंग एंडिंग है एक तरीके से दो शॉकिंग एंडिंग है. दो शॉक्स आपको मिलते हैं इस टीवी सीरीज के एंड में जो कि आपने टोटली एक्सपेक्ट नहीं किया होता. पहला तो शायद कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट करते हैं बट जो पहले एंडिंग के बाद में जो दूसरा एंडिंग होता है दैट आई नेवर एक्सपेक्टेड. मैं कुछ और सोच रहा था और कुछ और हो गया और वही एंडिंग एक तरीके का हिंट देती है कि बॉस सीजन 2 इसका जरूर आएगा. सो अगर आपने सभी मूवीज और टीवी सीरीज देख डाली हैं और आपके पास में देखने के लिए कुछ नहीं है तो डेफिनेटली आप इस टीवी सीरीज को एक ट्राई दे सकते हैं एंड आई बेट यू यू विल लाइक दिस टीवी सीरीज. तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस टीवी सीरीज को रेट करूंगा 8 out of 10. तो ये था हमारा रिव्यू यू सीजन 1 का. आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं. जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले. अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे.